ओम शांति। 12 अगस्त 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। आज के मुरली से मुख्य 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बाबा समझाते हैं भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। दूसरी पॉइंट, बाबा कहते अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए, बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो, है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तीसरा पॉइंट, मीठे बाबा ने कहा अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। चौथा पॉइंट, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ ये नहीं भूलो। पांचवा पॉइंट, बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। छठा पॉइंट, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती, आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो, हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। सातवां पॉइंट, मीठे बाबा कहते जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। ओम शांति। अब मुरली सविस्तार। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है कौन सी नहीं? उत्तर, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट अर्थात राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्माभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो, फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज़ रोज़ समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं, बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं।
इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं। वह है आसुरी मत, ये भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है, अब ईश्वरी मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा, रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं, कहा जाता है ना, ये तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है, क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था, वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है, ये समझना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छीछी घाट है, तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंच से ऊंच से लेकर नीच से नीच का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे, और कोई उम्मीद मत रखो,
फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले, नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं, मैं तुमको विशेष सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विशेष सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है, ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वे नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था, यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं, देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, ये है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए, यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य नारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना, ये है बेहद की लंका, जिसमें रावण का राज्य है, एक बाप है ब्राइट ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। ये है शोक वाटिका, सत्युग को कहा जाता है अशोक वाटिका, वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता, नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है, खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं, सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में, हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनाते हो, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते, हम श्री बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे अर्थात ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है, अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे, अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है, तुम सभी बी के श्री बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ।
8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ ये नहीं भूलो। भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है, अब तो ये बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बीके हैं, विकार की बात हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, अगर वे सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वह है ही परम आत्मा, आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है ना। ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वे अजन्मा है, भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनना है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सुदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं। आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहो। और सबको बाप का परिचय देना है, बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। निराकार भगवानुवाच, निराकारी आत्माओं प्रति, असल तुम निराकार हो फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का, जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनना है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूँ, कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो,
एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने, यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए, बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे, पढ़ाई कितनी सहज है, बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो, ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव। स्पष्टीकरण, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन, ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।